वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, एक बड़ी एक्ट्रेस जिसने 4 साल के बाद तोड़ दिया अपने रिश्ते को, उसकी शादी होने वाली थी लेकिन उसने अपने मंगेतर से रिश्ते को खत्म कर लिया, जिससे हर कोई हैरान हो गया है। यहां तक कि एक्ट्रेस के घर वाले भी हो गए हैं एक्ट्रेस से नाराज। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको टेली टॉकीज पर बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों, कुछ महीने पहले ही भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने मनदीप बामरा से अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अब अचानक से इस कपल के बीच में दूरियां आ गई हैं और दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, रानी ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया, हाँ मैं और मनदीप अब साथ नहीं हैं। हालांकि हमने 1 महीने पहले ही चीजें खत्म कर ली थी, लेकिन अब इसे आपके जरिए ऑफिशियल कर रही हूँ। मैंने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला ले लिया है। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लोगों को बताऊं, लेकिन अब लगता है मुझे इसे ज्यादा देर तक छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन जब रानी से पूछा गया कि उनकी शादी कैंसिल करने की असली वजह क्या थी, तो रानी ने बोला कि वो और मनदीप लंबे समय से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे थे। मनदीप चंडीगढ़ में और रानी मुंबई में, जिस वजह से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आ गया था। कई बार तो 3 से 4 दिन तक बात तक नहीं होती थी। लेकिन रानी ने ये भी बताया कि उनके घर वाले उनके इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका कहना है कि तुझे इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, दोबारा सोच लो इस शादी को तोड़ने से पहले। लेकिन रानी ने कहा कि साथ तो हम दोनों को रहना है, जब अभी से ही नहीं बन रही तो आगे चलकर हमारा रिश्ता कैसे बन पाएगा। वेल दोस्तों, हम आपको बता दें कि रानी और मनदीप 4 साल से एक साथ थे, लेकिन अब इन्होंने भी अपने रिश्ते को खत्म कर लिया है। ये कोरोना काल ना जाने कितनों के रिश्तों को और कितनों के घरों को तुड़वाएगा। क्या कहेंगे आप, कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अब ना भूलें।